आज का जो लेक्चर है, कल जो आहार नाल का सबसे पहला भाग मुख एवं मुख गुहिका बताया गया था ना, माउथ एंड बुकल कैविटी, उसी मुख और मुख गुहिका में हमने आपको बताया था दांत भी होते हैं, लार ग्रंथियां भी होती हैं और जीवा, दांत, जीवा और लार ग्रंथियां। तो आज हम शुरुआत करते हैं दांत से। किससे? दांत से। क्योंकि जब आपको भोजन करना होता है तो सबसे पहले क्या करते हो? जैसे मुंह में डालते हो या नहीं डालने लगा, काटने का काम भी तो दांत ही करता है ना। yes, भाई जिसका काम पहला है उसका नाम भी पहला होना चाहिए। yes, है पता चले जीव को पढ़ा ले हम लाल ग्रंथियों को दांत नाराज हो जाए कि नहीं है कि भाई काम तो हमारा पहला है तो नाम भी हमारा पहला होना चाहिए। आइए दांत को, अब आपके मुख में ही दांत है ये समझना कि सबके सबके मुख के दांत की बात हो रही है। और आज समझ भी जाना कि आपके मुख में जो दांत हैं उनके नाम क्या क्या हैं और ये संख्या में कितने कितने होते हैं। आइए यहाँ पे हमने क्या एडिट करा है, इंग्लिश में मुख गुहिका में दोनों जबड़ों के किनारे, मुख दोनों जबड़ा है ना, दोनों जबड़े के किनारों पर दांत की पंक्तियां, लाइन से दांत लगे कि नहीं लगे जबड़े पाई जाती हैं। और मानव दांत निम्न प्रकार का होता है, एक बार सेंटेंस ध्यान लिख लो फिर लेक्चर विस्तार, ठीक है। यहाँ देखो कुल दांतों की संख्या कितनी लिखी, 32। इंग्लिश में 32। तो मनुष्य के मुख में कुल 32 दांत होते। अब ये 32 कैसे हैं, 16 पिछले जबड़े में और 16 16 मिलाकर के कुल 32। अब दूध के दांतों की संख्या कितनी है, 20। ये भी बताएंगे दूध के दांत क्या होते हैं। अब दांत चार प्रकार के होते हैं, कृंतक, इंसीजर बोलते हैं, संख्या की चार, रत्नक, कैनाइंस बोलते हैं, संख्या में दो, अग्रचर्मणक जिसे प्रीमोलर बोलते हैं, संख्या में चार, चर्मणक जिसे मोलर्स बोलते हैं, संख्या में छह। अब ये कैसे कैसे है अब हम आपको डिस्क्रिप्शन करेंगे, इसको समझाएंगे। मनुष्य के मुख में, आप भी तो मानव है या इसमें कोई दानव भी बैठा, सभी मानव है, समझ लेना आपके ही दांतों के बारे में बात। दो जबड़े, एक ऊपरी जबड़ा, एक ऊपरी जबड़े में 16 दांत और निचले जबड़े में 16, कुल मिलाकर के 32 दांत हो गए। 16 दांत ऊपरे जबड़े में और 16 निचले जबड़े में। अब इन 16 में ये आपके सारे दांत, उससे पहले दूध के दांत 20 हमने लिख रखा है, तो कहने का मतलब जब जब बच्चा पैदा होता है तो शुरू में उसके मुख में 32 दांत नहीं होते, जब दांत होते तो धीरे धीरे उसके मुख पे 20 दांत होते हैं, जिसे दूध का दांत कहते हैं। वो दांत धीरे धीरे टूट जाते हैं, क्या होते हैं, उनकी जगह नए आ जाते हैं और जो परमानेंट आ जाते हैं उसे परमानेंट टीथ कहते हैं, ठीक है ना। ये मिल्क टीथ होता है 20 और परमानेंट टीथ होता है 32। तो परमानेंट टीथ तभी आता है जब मिल्क के दांत, दूध के दांत टूटते हैं, तो परमानेंट टीथ जब टूटता है तो फिर उठता नहीं। तो इसीलिए आपने देखा दांत की हिफाजत क्या करो, खाने वाने खाने के बाद थोड़ा बढ़िया से इसकी सफाई, कोई जरूरी की ब्रश मंजन दातून का भी प्रयोग करो जो नीम की आती है, दांत घिसेगा नहीं, मजबूत रहेगा, कसाव रहेगा उसका, मजबूत भी बनता है, साफ रहेगा। और कभी कभी खाने के बाद पानी डाल के अंगुली है ना यो, बढ़िया से इसको, उम्र बढ़ जाएगी आपके दांतों की भी आपकी। आइडिया बता रहा हूँ, ये आइडिया ताऊ बताएंगे आपके, समझ रहे ना, लेकिन मैं ही बता रहा हूं इसे समझो। कुल दांत 32, 16 ऊपरी जबड़े में 16 निचले जबड़े में। अब इन 16 में कैसे कैसे चार प्रकार के दांत होते, कितने प्रकार के, चार। अभी चार किस तरीके से, इसे देखो, हमने पहला दांत लिखा है कृंतक, क्या लिखा है कृंतक, ये जो सामने वाला, कहां वाला, सामने वाला,
ये सामने का घेरा कट एट डेंटा एक जैसे क्रिंटा ये क्या करते हैं भोजन को उतार ऐसे करते हैं ना। हाँ ये संख्या में होते हैं चार बिल्कुल सामने वाले इन्हीं का नाम है क्रिंटा ये सामने वाले इन्हीं का नाम क्रिंटा एकदम एक जगह है ये क्या चार ऊपर है और चार नीचे आवाज पहले हम एक का ही बता रहे हैं तो उसका डबल कर देंगे दोनों का अपने यहाँ पता चल जाएगा। अब इन्हीं चार दांतों के बगल में आप देखोगे एक नुकीला इधर और एक नुकीला इधर दोनों साइड में दो दांत एक इस साइड में और एक इस साइड में ये वाला कर रतनक कैनाइंस दो दांत है लेकिन दोनों एक जगह नहीं है हाँ कृंतक के एक साइड में एक है और कृंतक के दूसरे साइड में एक ये कठोर भोज पदार्थ जो होते हैं ना उन्हें जब आपको चीरना या फाड़ना पड़ता है तो कहाँ साइड में करते हैं ले आ भाई कहाँ कटते हैं ना तो ये नुकीला नुकीला है ना इधर ऊपर इधर दोनों और ठीक उसी के नीचे उसका साथी देने के लिए रहता है चल आप ऊपर से दबा नीचे में हूँ है कि नहीं है तो वो चीर देते हैं फाड़ देते हैं जैसे कोई चीज काटी मेरे बटे है ना तो ये चीरने फाड़ने का काम करता है पर नुकीला होता है संख्या में होता है एक जबड़े में दो एक इस साइड एक इस साइड दो और दोनों जबड़ा मिलाने के कितना हो जाएगा चार। अब आयो अग्र चमड़ा इन्हीं कैनाइंस के बगल में संख्या में चार मतलब एक कैनाइन के बगल में दो और दूसरे कैनाइन के बगल में दो दो इस कैनाइन दो इस कृंतक के बराबर में और दो इस कृंतक के बराबर में दो दो कितना हो गया चार। ये थोड़ा चौड़ा होता है चपटा होता है अग्र चवर्ण क्योंकि ये आगे की तरफ होता है इसीलिए इसका नाम अग्र चवर्ण या प्रीमोलर कहते हैं ये भोजन को चबाने पीसने का काम करता है क्या करता है भोजन को चबाने और पीसने का काम करता है समझ गए तो दो इस साइड और दो इस साइड कुल कितने हो गए चार चार तो एक जबड़े में चार एक जबड़े में ठीक दूसरे में भी चार हो गए समझ रहे भैया आ जाओ अब है चर्मड़क जिसे कहते हैं प्री जिसे कहते हैं मोलर क्या कहते हैं मोलर इन्हीं प्री मोलर अग्र चर्मड़क के बगल तीन इधर गिनोगे सब लोग गिन लो अपने मुंह में डाल के चलो अग्र चर्मड़क तीन इधर पाओगे और इधर प्री मोलर के बगल में तीन तो तीन तीन कितने हो गए ये चपटा होता है मजबूत होता है बड़ा धंसा होता है जो भी भोजन आप खाते हैं ना इधर के बाद सबको इधर चबा चबा के पीस पीस के छोटे छोटे टुकड़े में ये भोजन को भली भांत चबाने और पीसने का काम करता है तीन इधर और तीन इधर तो कितने हो गए एक जबड़े में हमने क्या बताया था कृंतक चार कृंतक सामने वाला कृंतक सामने वाला है चार और रतनक रतनक एक इस साइड और एक इस साइड कितना हो गया दो चार और दो कितना हो गया छह अब हमने प्रीमोलर्स बताए हैं कितने चार दो इस साइड दो इस साइड तो चार और मिला दो कितने हो गए बाद दोनों पीछे वाले जिसे हम कहते हैं चर्मड़क या चवर्णक मोलर्स तीन इस साइड में तीन इस साइड में तो कितने हो गए छह दस इधर हो गए थे छह ये कितने हो गए सोलह एक जबड़े में सोलह तो जबड़े आपके पास कितने हैं दो तो दोनों जबड़े में कुल कितने हो जाएंगे बीस बहुत समझदार हो भाई सोलह इस जबड़े में और सोलह उस जबड़े में कुल मिलाकर के 32 मतलब 32 दांत चार प्रकार के चारों कौन कौन से कार्य करते हैं वो भी हमने आपको समझाया समझाया कि नहीं समझाया बाकी यहाँ आपका लिखा हुआ है आप इसे अपने से नोट्स भी बना सकते हैं इसको लिख करके भी देख अपने कॉपी पे इसको देख के लिख भी सकते हैं और लेक्चर को रिपीट करके सुन करके आप समझ भी सकते हैं तो आज के लिए सिर्फ इतना है बाकी नेक्स्ट लेक्चर में